ड्रीम प्रोजेक्ट नहीं है। ये मुझे हमेशा कोरोना महामारी में इतना महसूस हुआ कि जयरीखाल से कोई बीमार होता था, अब वो बेस हॉस्पिटल कोटद्वार में उतनी सुविधाएं नहीं है, चाहे आप कितना ही कर लो। तो मुझे लगता था कि अब पौड़ी जिले की परमिशन, बिजनौर जिले की परमिशन, फिर देहरादून जिले की परमिशन, और तब जाके वो एम्स पहुंचता था मरीज। तो मुझे महसूस हुआ कि भाई मेडिकल कॉलेज होता तो हम बहुत कंडीशन जो मेडिकल कॉलेज में नहीं देखा जा सकता। और मैं सोचता हूँ जो मेडिकल कॉलेज के बाद अगर कोई कहीं इलाज के लिए आवश्यकता पड़ेगी तो फिर एम्स दिल्ली की जरूरत पड़ेगी। तो लेकिन दुर्भाग्य था हम नहीं कर पाए, मुझे दुख है इस बात का। एक तो एक साल कोरोना ने हमारा खा लिया, एक कोरोना की वजह से भी थोड़ा सा विलम्ब हुआ, नहीं तो मैं ये जो पहल मैंने आज की, मैंने तो संकल्प ले लिया था कि मेडिकल कॉलेज नहीं बनेगा तो भले ही चाहे उसके लिए मुझे, और मैंने कहा भी था आपसे उस दिन मैंने विधानसभा प्रेस के दौरान कहा भी था कि मैं कोई महाभारत का अभिमन्यु नहीं हूँ कि जो अंतिम द्वार पे मारा जाऊँ, अब मैं आगे कुछ नहीं कह रहा हूँ। अब आपको समझ नहीं आ रहा क्या संकल्प लिया था? अच्छा, सर ये है कि अगर आखिरकार